Welcome to my channel Competitive Exam Warriors. Don't forget to subscribe to my channel and also don't forget to hit the bell button to stay updated to my latest notifications. Welcome to my channel Competitive Exam Warriors. आज की इस लेसन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें से कुछ का मैं डिटेल डिस्कशन दूंगा, जैसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, और कुछ का मैं सिर्फ डायरेक्टर जनरल और हेडक्वार्टर मेंशन करूंगा. जो जो चीज़ मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्ज़ाम के लिए. ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट बैंक, एलआईसी, इंश्योरेंस वाइज गाइस एंड रेलवेज, एसएससी, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है आज के इस लेक्चर में. और अचीवमेंट सेक्शन, अगर आप लोग न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर तो आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग स्किप भी कर सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के आगे बढ़ने से पहले, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को दबाना भी मत भूले. ठीक है, और अगर मेरा लेसन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना भी मत भूले. नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि टारगेट ऑडियंस ये चीज़ है मेंशन किया हुआ है. अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए मेरा, लर्न विद शोविक. उसमें से सिर्फ इस लेसन की पीडीएफ नहीं, जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हैं सबका पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है, आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आप लोग अन अकेडमी के प्लस ऑप्शन कोर्स अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं. उसमें मेरा कोड, रेफरल कोड में मेरा कोड, दैट इज़ PLUSR4SVE, ये कोड अगर आप लोग डालोगे तो आप लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और एडिशनल डिस्काउंट 10% ये भी आप लोग ले सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग क्रेडिट्स यूज़ करते. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेट जाते हैं आज के लेसन पे. फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन मैं पिकअप कर रहा हूँ वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको बोल रहे हैं हम लोग ADB. ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो इस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 को. ADB जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर है मनीला, दैट्स इन फिलीपींस. इनफैक्ट फिलीपींस का कैपिटल भी मनीला ही है. इसके बाद मैं आप लोगों के साथ कंट्री कैपिटल करेंसी पार्ट वन पार्ट टू डिस्कस करूंगा. अभी फ्रॉम 31 मेंबर्स एट इज एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जब शुरुआती दौर था ADB का, तब उसके पास सिर्फ 31 मेंबर्स थे. बट आज के टाइम में ADB के पास 67, नहीं थोड़ा गलत लिखा हुआ यहाँ पर, यह है 68, दिस विल बी द ओरिजिनल वन, मतलब अभी का फिगर है. 67 था पहले, बट अभी रिसेंटली अपग्रेड होके 68 हुआ है. एक नया कंट्री इसका मेंबर बना है जो मैंने शायद यहाँ मेंशन नहीं किया है. आप लोगों का पता है जो लेटेस्ट मेंबर है ADB का, वो आप लोग कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं. अभी 68 में से 49 आर फ्रॉम विद इन एशिया एंड पैसिफिक एंड 19 आर फ्रॉम आउटसाइड. अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है ADB के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए. पहले थी चाहिए नकाओ, अभी है मसद गुरु असाकाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज ऑफ 31 दिसंबर 2016, जापान होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स एट 15.677%, क्लोजली फॉलोड बाई USA, मतलब जापान का सबसे शेयर है ADB में. उसके बाद का शेयर USA का, नेक्स्ट है चाइना का, फोर्थ पोजिशन पे इंडिया है एंड फिफ्थ पे है ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहे, जैसे वर्ल्ड बैंक, ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. जैसे वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1945 आफ्टर द बेटनुट कॉन्फ्रेंस. ओके, बेटनुट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1945 में, उस टाइम एक्चुअली दो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे, एक हुआ था IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और एक हुआ था वर्ल्ड बैंक. अभी ये वर्ल्ड बैंक ये भी है एक मॉनिटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका दो मेन पार्ट है, एक है IBRD और एक है IDA. IDA कंसिस्ट ऑफ 173 कंट्रीज एंड IBRD कंसिस्ट ऑफ 189 कंट्रीज. और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, Washington DC, दैट्स इन USA. अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वर्ल्ड बैंक का हम लोगों को जानना चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इम्पॉर्टेंट है, जो है करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, वो है डेविड आर माल्पास, और CFO दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये इंडिया की है, SBI में पहले काम करती थी, अंशुला कंत. नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ चीज़ देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में. जैसे वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो डेवलपिंग कंट्रीज और उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स. डिस्कस कर रहा था कि वर्ल्ड बैंक एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स टू लोन्स टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स. मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया,
और भी बहुत सारे हैं, पाकिस्तान, इन सबको कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में रोड बिल्डअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल, बहुत सोलर प्रोजेक्ट्स, इन सब में वर्ल्ड बैंक पैसे देती है। इनफैक्ट रिसेंटली वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन के लोन दी थी इंडिया को फॉर COVID-19 पेंडेमिक, मतलब अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इंडिया में तो उसको डील करने के लिए। इसका दो इंस्टीट्यूशन में पहले ही बोल चुका आप लोगों को, फुल फॉर्म अभी जान लेते हैं। एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, दैट इज़ IBRD, और एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज़ IDA। अभी देखते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, ये फाउंड हुआ था 1945, पहले ही बोल चुका हूँ, ऑन 27 दिसंबर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया। ये भी टाइप है एक इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पर्पस IMF क्या है? प्रोमोट्स इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इतना कुछ आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम याद रखिए एक इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, फंड देती है जैसे वर्ल्ड बैंक की तरह, सॉफ्ट लोन्स वगैरह देती है। हेडक्वार्टर है Washington DC USA, और मेंबरशिप है इसका 189 कंट्रीज़। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। ये जो स्टैटिक फैक्ट्स हम मेंशन किए यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अभी नेक्स्ट जो चीज़ हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उसमें सिर्फ हेडक्वार्टर और अगर ज़रूरत हुआ तो डायरेक्टर जनरल मेंशन करेंगे, ठीक है? इसमें उतना डिटेल डिस्कशन नहीं जाएंगे जैसे पहले वाले में गए थे, पहले तीन में। ओपेक, पहले जानते हैं ओपेक का फुल फॉर्म क्या है। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया कैपिटल भी है वियना। ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है, मतलब कहाँ पे है? वो है पेरिस फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले फ्रॉम फ्रांस। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पे, जो है OECD, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगेन फ्रांस पेरिस में। हम ऐसे ग्रुप किया है जो आप लोगों को ईजी होगा समझने में, ओके? जैसे मान लीजिए पेरिस फ्रांस में जो जो है उसको सीरियल लिखे है यूनेस्को OECD, वियना ऑस्ट्रिया में एक ही है जो ऊपर में लिखे ओपेक, ओके? नेक्स्ट हम देखेंगे रोम इटली में दो है, दो स्थित है हेडक्वार्टर जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे ICJ एंड FAO, बोथ दीज हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन रोम, दैट्स इन इटली, इटलीज कैपिटल इज ऑल्सो रोम। ICJ का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और FAO उसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट फूड रिलेटेड जितना भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ मैंने एक ही मेंशन किया, बट बाकी जितना भी आप लोगों को मिलेगा सबका हेडक्वार्टर आँख बंद करके आप लोग लिख सकते हैं रोम, दैट्स इन इटली। और एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो एग्ज़ाम बहुत बार आ चुके हैं या अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र मैंने यहाँ पे कर किया है और उसका हेडक्वार्टर मेंशन किया है, ठीक है? सबका नहीं किया है क्योंकि पॉसिबल नहीं है और याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हु, WTO, WIPO, ILO, इन सब का हेडक्वार्टर आप लोग देख सकते हैं जेनेवा इन स्विट्ज़रलैंड है। WHO फुल फॉर्म इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडानोम गेब्रेगस, जो अभी देख सकते हैं बहुत प्रेस ब्रीफिंग में भी आते हैं रिगार्डिंग कोरोना वायरस, बकते रहते हैं वो। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो फाउंडेड हुआ 1995 में आफ्टर द बाली कॉन्फ्रेंस, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इसका डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो एजेवेडा। WIPO दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है। सिमिलरली ILO दैट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, और मोस्ट प्रोबली लास्ट स्लाइड है आज का, ISO दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। सो और भी कुछ है जो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है हेडक्वार्टर। ICRC इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, सिमिलर यूएन सिटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन सब का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, दो छूट गया था, वो पहले ओपेक के साथ आप लोग ऐड कर सकते हैं। इन दोनों का भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में ही है, जैसे IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग जब चार्ट करेंगे ऐसे याद करेंगे, जैसे वियना ऑस्ट्रिया हेडक्वार्टर में कौन सा है, ओपेक है, IAEA है, और UNIDOI, ईजी होगा याद रखने में। नेक्स्ट ग्रुपिंग जहाँ पे जा रहे हैं, जो न्यूयॉर्क USA में स्थित है, ये तीन है, जैसे UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन,
यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इन सब का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, दैट्स इन USA। नेक्स्ट हम जा रहे हैं जो जो लंदन UK बेस्ड हेडक्वार्टर जिन लोगों का है, जब देख सकते हैं एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और एक है IMO, दैट्स इंटरनेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों का हेडक्वार्टर है लंदन UK में। लास्ट जो है नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम, ये दो मिसलेनियस कैटेगरी पड़ते हैं, इजीली आप लोग याद रख पाएंगे। ब्रसल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर में स्थित है नेटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। पर इसका पहला सेशन जो आता है सार्क का, ये होता है बांग्लादेश ढाका में। कुछ कुछ स्टैटिफिक्स हम बोलते रहते हैं, वो प्लीज़ आप लोग नोट भी कर सकते हैं और चाहे तो याद भी रख सकते हैं, नोट करना ज़्यादा बेहतर होगा। और PDF आप लोगों को तो मिल भी जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो फाइनली इस लेसन का खात्मा होता है यहाँ पर ही। अगर आप लोगों का लेसन अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज मच एज़ पॉसिबल। अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, ओके। अगर अच्छा लगे तब प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।